जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड एफडीए। आज मैं आपको स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताने वाली हूँ। दिस कुड बी अ वेरी गुड टॉपिक फॉर योर लेक्चर एट, जो कि आप 3 मिनट में डिलीवर करते हो इन फ्रंट ऑफ योर जीटीओ। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर प्रेजेंटेशन अमंग योर ग्रुप मेंबर्स एज वेल एज पार्ट ऑफ जीटीओ टास्क। तो आज मैं आपको लेक्चर एट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टार्टअप इंडिया है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। स्टार्टअप इंडिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से क्या डिक्लेरेशन हुआ, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज ट्राई टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ओके? सो स्टार्टअप इंडिया इज अ मच नीडेड इनिशिएटिव दैट वॉज स्टार्टेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन 2015। बेसिकली इट गॉट स्टार्टेड इन 2015, अनाउंसमेंट वॉज डन इन 2015 एंड इट केम इन टू एग्जीक्यूशन फ्रॉम 2016। This campaign is a great kickstart of the youth to accomplish their goals. Our Prime Minister announced it on Independence Day. Basically, 15 August ko it got announced by our Honorable Prime Minister. और इसके बाद आप ये भी ध्यान रखना कि आप अभी कई सारे ऐसे serials देखते हो, जैसे Shark Tank हो गया और you know entrepreneurship के लिए जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो ये यहाँ से काफी सारा एक प्रमोशन मिला है, एक बहुत बड़ा किक स्टार्ट मिला है हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप को, वरना इसके पहले हमारे देश में इस चीज की कोई जगह नहीं थी। सो इट वॉज अ वेरी यू नो अननोन थिंग फॉर द पीपल एंड फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। इट विल चैनल द एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, दिस विल एंश्योर दैट द यूथ गेट्स द नीडेड हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेसिकली इसका पर्पज क्या था, मोटिव क्या था? इसका पर्पज ये था कि जो यूथ है हमारी, जो हमारे देश का यूथ है, अगर कुछ करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग फील्ड्स ऑफ बिजनेस, तो उनकी एनर्जी को वी वांटेड टू चैनलाइज्ड, एंड इस चैनलाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट से जितनी हेल्प हो सकती है वो उन्हें स्टार्टअप इंडिया के लिए मिलेगी। दीज थिंग्स रिक्वायर अ स्टार्टअप नेटवर्क विच दिस कैंपेन विल प्रोवाइड। सो देर इज अ नेटवर्क प्रोविजन एज वेल कि आपको जितना स्टार्टअप नेटवर्क चाहिए, जिन लोगों से मिलना है, किन से आपको कॉन्टैक्ट करने हैं, बहुत सारी चीजें ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। बेसिकली इट मीन्स दैट बैंक्स विल ऑफर फाइनेंसेस टू दीज यूथ फॉर क्रिएटिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। आपने MSME वगैरह सुना होगा, मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो चीजें गवर्नमेंट ने लोन वगैरह शुरू किया था, तो इसी के चलते हमारा स्टार्टअप इंडिया भी शुरू हुआ। स्टार्टअप इंडिया के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें जो हमारे बैंक्स हैं वो आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन देंगे, उसके अलावा आपको बिजनेस सेटअप करने में आपको जितना भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आने वाला है उसके लिए हेल्प करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसके बारे में आइए आगे जानते हैं। ओके, स्टार्टअप इंडिया इज मच नीडेड इनिशिएटिव, दिस ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। आर PM urged द बैंक्स टू सपोर्ट वन दलित एंड वन वुमेन एंटरप्रेन्योर एटलीस्ट टू मेंटेन इंक्लूसिवली। It is a great step that will help the newcomers in the industry get a head start in their career. Furthermore, it will also boost the economy of the country. तो बेसिकली एक इसके पीछे एक सेल्फ मोटिव अगर आप देखें तो यही था गवर्नमेंट का, कि उनको अपनी इकोनॉमी में एक बूस्ट चाहिए था। एंड डेफिनेटली जो भी हमारे देश का उद्योग है, जो बिजनेस है, वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा GDP में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो भी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। बट इस जगह पे जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस डे में गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया, तो उसी टाइम पे उन्होंने ये भी एक रिक्वेस्ट की थी हमारे सारे नेशनल बैंक और जो भी हमारे बैंक्स हैं जो लोन की सुविधा देते हैं उनसे, कि एटलीस्ट एक दलित और एक महिला को वो इस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये स्टार्टअप इंडिया के अंदर यू नो लोन प्रोवाइड करें, फैसिलिटी एटलीस्ट प्रोवाइड करें, फुल सपोर्ट दें। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हमारे देश की महिलाएं भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू नो सोच सकती हैं, और जो हमारे देश के बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं जो अभी भी आगे नहीं आ पाए हैं, दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड डू बेटर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। When they launched this campaign successfully, they got in touch with several IITs, IIMs, NITs and other central universities of India. The major part of the action plan was to offer them promote bank financing. तो एक बैंक जैसे आप देखते हो, बैंक हमें बहुत ईजी लगता है, हम सोचते हैं बैंक चले गए, बट बैंक का जो सिस्टम है बहुत ही डिसिप्लिन वे में चलता है, बहुत ही चैनलाइज्ड वे में होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है और उसका अगर कहीं ना कहीं सपोर्ट बैंक देता है, तो बैंक को अपने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चैनलाइज करते हुए, उसको सिस्टमैटिक बनाते हुए सब काम करने होते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया के लिए
कई सारे जो यूथ्स हैं जो कि आईआईटी आईएम्स वगैरह एनआईटीज वगैरह से एनआईटी वगैरह से जो पास आउट हुए थे उनके लिए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने उनसे कांटेक्ट किया। उनसे कांटेक्ट करने के बाद जो हमारा बैंकिंग है उसके साथ ये सारी चीजें जोड़ के हमारे बैंक का जो सिस्टम प्रिपेयर हुआ और उसके बाद हमारी एमएसएमई और स्टार्टअप इंडिया की जो भी जितनी भी चीजें थी वो इन फोर्स आई। The startup campaign will help youth to become entrepreneurship and thus less depending on government for job. इसका एक और purpose ये था कि हम सब जो होते हैं after getting a education हम यही सोचते हैं कि let's go for some exams, ये exams देते हैं, government के लिए exam कब release होंगे उसका wait करते हैं, but एक entrepreneurship जैसा जो area है जिसके बारे में बहुत कम लोग बहुत सालों से नहीं सोच रहे थे अब इस चैनल के थ्रू वो सोचना शुरू किए हैं। तो जो लोग एकदम से गवर्नमेंट जॉब्स में डिपेंडेंट थे वो डिपेंडेंसी कम हुई है कहीं ना कहीं। और जब आप एंटरप्रेन्योर जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा होगा नायका का, तो जो उनकी हेड है फाल्गुनी नायर करके मैम, जो वो मैम है उनका अगर आप सक्सेस जर्नी देखोगे बहुत सारी ऐसी वुमेन है जो बिलियनेयर ट्रिलियनेयर हो गई और एक साल में उन्होंने काफी कुछ ग्रोथ की। तो डेफिनेटली अगर आप देखो तो हमारे देश में स्टार्टअप का कल्चर जो आया है आफ्टर 2015-14 ही आया है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट फॉर टेकिंग इनिशिएटिव इन दिस फील्ड बिकॉज दिस वॉज नेवर थॉट बिफोर बाई एनी ऑफ द गवर्नमेंट हु केम बिफोर इन इंडिया। तो इसीलिए आपकी जब जॉब डिपेंडेंसी कम होती है, एक तो आप बाकी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो थ्रू एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट्री, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट देने के बाद आप भी उस जॉब पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, तो एक इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, नेवर फॉरगेट दिस। इसीलिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस स्कीम से काफी सारे लोग आज कमा पा रहे हैं और अच्छे से अपना जो लाइफ स्टाइल है कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सो आई होप आपको ये स्टार्टअप इंडिया का जो भी मेरा वीडियो था, जो कंटेंट था, समझ में आया, पसंद आया और आप अपने लेक्चरेट में से यूज कर पाएंगे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एवरीबडी जय हिंद।